नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। स्वागत जिंदगी में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। 14 मई 2023 दिन रविवार को मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स जिला दमोह के तत्वावधान में महा आंदोलन रैली और ज्ञापन का आयोजन किया है। सर्वप्रथम अजाक्स जिला सचिव डॉक्टर रमेश कुमार अहिरवार ने बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया। तत्पश्चात डॉक्टर मोहन सिंह आदर्श जिला अध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा समस्त मांगों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत कर ज्ञापन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम जिला प्रशासन में उपस्थित नायब तहसीलदार महेंद्र प्रताप उदेनिया को सौंपा गया है। पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में आज 14 मई 2023 को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी तारतम्य प्रांत ने हमें निर्देशित किया है कि 4 ज्ञापन पृथक से अलग अलग किए गए हैं, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली एवं अध्यापक से नवीन शैक्षणिक संपर्क में आए सभी कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, इसी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मनोज गोरकेला जी के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट अनुसार पदोन्नति एवं मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में बैकलाग भर्ती, हमारे दमोह में भी 1437 पदों पर बैकलाग भर्ती होना है, जिसका रोस्टर भी दमोह जिले में तैयार नहीं किया गया है उसके संबंध में है। इसी के साथ 27 हमारी पूर्व की जो मांगे हैं उन पर भी हमारा ज्ञापन है, और इन ज्ञापन के बाद हम आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहें जी। बताइए, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कारण रहा? अजाक्स द्वारा निरंतर 1994 से लेकर के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण और बैकलाग की लड़ाई लड़ते लड़ते आज 2023 हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई भी बैकलाग की पूर्ति नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे बैकलाग के संबंध में प्रत्येक जिलों में और जिसमें खासकर दमोह जिले में बैकलाग का निर्धारण आज दिनांक तक नहीं किया गया है। हमारे जिला के बहुत से अधिकारियों ने, यहां तक कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी हमारे बैकलाग का निर्धारण नहीं किया है, और बैकलाग का निर्धारण करें कैसे? उन्होंने सफेदा लगा लगा करके नवीन भर्तियाँ और उन्होंने अनुकंपा नियुक्तियाँ कर दी हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि कलेक्टर कार्यालय के यहाँ हमारे दलाल, हमारे दमोह के और हमारे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मिलकर के दूसरे जिलों से वहाँ की अनुकंपा नियुक्तियाँ जिले में ला करके करवाते हैं और पैसे खाते हैं। ये दुर्भाग्य है, और हमारा आरक्षण रोस्टर मिटा रहे हैं। हम निवेदन कर